जनकपुर के जंगल में कुकू चिड़िया अपने दोस्त जग्गू के साथ खेल रही थी। तभी जग्गू कुकू से कहता है, कुकू मैं कल खेलने नहीं आऊंगा। इस पर कुकू चिड़िया बोली, क्यों जग्गू, क्या हुआ? जग्गू कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम और मेरी माँ कल अपने मामा के यहाँ रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं और इसलिए हम बहुत खुश हैं और आज मैं जल्दी घर चला जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने सामान भी रखने हैं। लेकिन कुकू, तुम्हारा तो कोई भी मामा नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? तुम तो अकेले ही रह जाओगी। इतना कहकर जग्गू वहाँ से उड़ जाता है और कुकू उदास होकर अपने घर जाती है और लाडो चिड़िया से कहती है, माँ कल जग्गू अपनी माँ के साथ अपने माँ के घर जा रहा है, क्या हमारे कोई मामा नहीं है? आप किसको राखी बांधेगी? यह सुनकर लाडो उदास हो जाती है और रोने लगती है। वह कहती है, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं? बचपन में मैं और तुम्हारे मामा घूमने के लिए गए हुए थे, तभी एक शिकारी ने मेरे भाई पर हमला कर दिया और वह वहीं घायल होकर मर गया। और लाडो रोने लगती है। यह सुनकर कुकू चिड़िया बोली, मम्मा आप चिंता ना करें, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं ऐसे प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछूंगी। उधर जग्गू अपने घर जाकर अपनी माँ रानी कोवी से कहता है, माँ हम कल मामा के यहाँ जाएंगे और देखो ना, कुकू चिड़िया के कोई भी मामा नहीं है और वह कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर रानी कोवी बोली, हाँ हाँ तुम सही कहते हो, उसका भाई नहीं है। और अगले दिन रानी कोवी अपने बेटे जग्गू के साथ लाडो के घर जाती है और लाडो से कहती है, क्या हुआ लाडो बहन, आज रखी है और तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम किसको राखी बांधोगी? बेचारी लाडो, अब अकेले यही बैठकर रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। यह सुनकर लाडो कहती है, रानी तुम यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। तभी मिठू और कबूतर आपस में बातें करते हैं कि लाडो कितनी भोली है और उसका कोई भाई नहीं है। चलो इस रक्षाबंधन हम लाडो से राखी बंधवाएंगे और उसे कुछ उपहार देंगे ताकि उसे अकेला न महसूस हो। कबूतर और मिठू लाडो के लिए एक गले का हार खरीद के लाते हैं और लाडो के घर जाते हैं। लाडो घर के बाहर उदास बैठी थी, तभी मिठू बोला, क्या लाडो तुम हमारे रहते कैसे उदास हो सकती हो? हम भी तो तुम्हारे भाई हैं, तुम हमें राखी बांध दो। और लाडो उन दोनों को राखी बांध देती है। दोनों उपहार स्वरूप लाडो को गले का हार देते हैं और लाडो कहती है, सच में आप लोग मेरे भाई हैं। मैं खामोखा रो रही थी, आप लोग जैसा कोई नहीं। उधर रानी कौवी अपने भाई के घर जाती है और करती है, लाओ भैया मैं तुम्हें राखी बांध दूं। और रानी कौवी कालू को राखी बांध देती है। कालू कहता है, हाँ हाँ बहन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो मैं तुम्हारे लिए बास पक्षी के घर से यह चूड़िया चुराई है जो कि चांदी की है। यह सुनकर रानी कोवी बहुत खुश हो जाती है और जग्गू से कहती है, देखा जग्गू मेरे भाई ने मेरे लिए कितनी बड़ी चोरी की है। तो जग्गू कहता है, मैं भी यही रुक जाता हूँ मामा के यहाँ और चोरी करना सीख लूँगा। यह सुनकर रानी बोली, नहीं नहीं अभी तुम घर चलो क्योंकि हमें लाडो चिड़िया को जाकर यह कंगन दिखाना है ताकि वह जल जाए। और रानी कोवी अपने भाई कालू कोवे से कहती है, मैं जा रही हूँ भैया, अब कुछ दिन बाद आऊंगी। रानी वहाँ से सीधे लाडो के घर जाती है
और लाडो को अपना कंगन दिखती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे यह कंगन दिए हैं और तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है। यह सुनकर लाडो बोली, तुम ऐसे क्यों कहती हो? रानी मेरे भी दो भाई हैं, कबूतर और मिठू भैया को मैंने राखी बांध दी है और उन्होंने मुझे बदले में गले का हार दिया है। यह सुनकर रानी को भी जल जाती है और अपने घर चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और लाडो से कहती है कि यहाँ रानी कोवी कौन है, और सभी पुलिस को रानी कोवी के घर ले जाते हैं और रानी से कहते हैं, तुम्हारे पास बांस पक्षी के चोरी किए गए कंगन है, तुम जल्दी जेल चलो। अब यह सुनकर रानी डर जाती है और पुलिस उसे जेल लेकर जाती है। कनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने बेटी कुकू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया चाहती थी कि उसकी बेटी कुकू पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बने। इस कारण से उसने उसे दूसरे जंगल पढ़ाई के लिए भेज दिया और किसी तरीके से काम करके वह उसका फीस भरती थी। एक दिन उसके घर नीनू चिड़िया आई और बोली, लाडो आजकल तुम दिखती नहीं हो। इस पर लाडो बोली, क्या बताऊं बहन, इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर कोई काम दिला देती तो बड़ी मेहरबानी होती। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, अरे कालू कोवा तो बहुत अमीर है, तुम उसके घर क्यों नहीं काम कर लेती? वो झाड़ू पोछा के लिए नौकरानी ढूंढ रहा है। यह सुनकर लाडो बोली, अच्छा तुम ठीक कहती हो, मैं अभी कालू कोवा के घर जाती हूँ। और लाडो कालू कोवे के घर के लिए निकल जाती है। लाडो कालू कोवा के घर जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। पास बैठी कालू कोवा की पत्नी रानी कोवी कहती है, हाँ हाँ हम इसे काम पर रख लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है लाडो बहुत मेहनती है और मुझे ऐसी ही नौकरानी चाहिए। और लाडो काम करने लगती है। रानी कोवी का बेटा जग्गू बहुत ही बिगड़ी हुई संतान था। वह अपने माँ बाप से झूठ बोलकर उनसे पैसे लिया करता था। एक दिन जग्गू अपनी माँ से कहता है कि कॉलेज के लिए पैसे दे दो, मैं दूसरे गांव पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। और वह पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ गलत आदतों में खर्च करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब वह घर लौट कर आता है तो देखता है कि रानी कोवी घर पर नहीं है। वह सोचता है, यह लाडो मेरा क्या करेगी, मैं माँ के पर्स से कुछ पैसे चुरा लेता हूँ। और जब जग्गू पर्स से पैसे चुरा लेता है तभी लाडो कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? जग्गू बोला, तू अपना काम कर, मुझसे मतलब मत रखा कर। बाद जब रानी कोवी घर में आती है तो देखती है कि उसके पर्स से पैसे गायब है। इस पर रानी लाडो से कहती है, क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं? इस पर लाडो कहती है, नहीं मालकिन, पैसे तो जग्गू ने निकाले हैं। और जब जग्गू सामने घर आता है तो रानी कहती है, क्या जग्गू तुमने पैसे चुराए हैं? उस पर जग्गू बोला, नहीं नहीं माँ, लाडो झूठ बोल रही है, किसी ने पैसे चुराए होंगे। और गुस्से में रानी कोवी लाडो को घर से बाहर निकाल देती है। और लाडो अब अपने घर चली आती है और छोटा मोटा काम करने लगती है। धीरे धीरे समय यूं ही बीत जाते हैं और अब लाडो की बेटी कुकू डॉक्टर बनकर घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैंने बहुत अच्छा घर हमारे लिए बना लिया है।
और अब लाडो भी अमीर हो जाती है और वह बहुत खुश रहती है। एक दिन रानी कोवी भी लाडो के घर जाती है और कहती है कि कल मेरे बेटे को देखने वाले आ रहे हैं, तुम सभी पक्षियों के साथ आना और देखना मेरे बेटे का रिश्ता कितने बड़े घर हो रहा है। और सभी रानी कोवी के घर पहुंच जाते हैं, तभी देखने वालों में से लड़की का पिता कहता है कि यह आपका बेटा है, जग्गू तो चोर है, इसने मेरे यहाँ से कई बार चोरी की है, और कहता है इस बार छोड़ दो, अगले बार नहीं करूँगा। जग्गू सोचने लगता है अब तो मेरी पोल खुल गई और अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। रानी कोवी उदास होकर कहती है, लाडो तुमने सही कहा था, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया और आज इसका पश्चाताप मैं सभी के सामने भुगत रही हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।